बहुत बहुत धन्यवाद भैया साहब, बड़े प्रेरणादायक शब्द आपने दिए। खुशी भी होती है, एक जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आदरणीय डायरेक्टर सर, जॉइंट डायरेक्टर सर, भैया साहब, शास्त्री जी, साथी, देखिए जैसा पहली चीज तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने जिस तरीके से प्रदेश को ठीक कर दिया, आप लोगों ने जिस तरीके से आके अपने विचार व्यक्त किए, मैं वाकई बहुत खुश हुआ। मुझे लग रहा है कि जब सचिन तेंदुलकर शतक बनाता होगा तो सबसे ज्यादा खुशी आचार्यकर जी को होती होगी, है ना। तो आप लोगों ने जितने अच्छे तरीके से अपनी बातें रखी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और एक बार तालियां। देखिए जैसा बंसीवाल जी ने बताया कि भाषा जो है ना, ये हमारे भावों को और विचारों को प्रकट करने का तरीका है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, ये मैंने मेरे भाव को प्रकट किया। और हिंदी एक फोनिक भाषा है, ये मैंने मेरे विचारों को प्रकट किया। तो भाषा जो है एक्चुअली माध्यम है, हमारा जो मुख्य मकसद है वो अपने भावों को प्रकट करना या अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, ये इसका मेन उद्देश्य है। लेकिन इससे भाषा की अहमियत कम नहीं होती। हम क्या सोचते हैं कि हमारे विचार हमने प्रकट कर दिए, हमारी बात सामने वाले तक पहुंचा दी, तो काम खत्म हो गया भाषा का? नहीं, ये भाषा से आपका संस्कार पता पड़ते हैं, आपका बैकग्राउंड पता पड़ता है, आपका स्तर पता पड़ता है ना? जो शब्द आप यूज करते हैं, जो आपका उच्चारण रहता है, वो आपका क्वालिटी बताता है, आपका लेवल बताता है। अब इसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो शब्द और दूसरा उच्चारण। तो देखिए हमारे अंदर शब्द का अलग अलग स्थान होता है, क ख व व न, कौन सा शब्द कहाँ से निकलता है, और दूसरा प्रयास। तो हिंदी चैलेंज करता हूं मैं कि वर्ल्ड की एकमात्र फोनिक भाषा है, और मैं उसको प्रूव भी कर दूंगा। सभी जानते हैं, आप में से काफी लोग जानते होंगे, इसमें सबसे बड़ी खूबी है कि जो हम लिखते हैं वही बोलते हैं, या जो बोलते हैं वही लिखते हैं। हम ब बोलेंगे तो ब लिखेंगे, हम बी नहीं लिखेंगे, का बोलेंगे तो का लिखेंगे, हम सी या के नहीं लिखेंगे, यानी जैसा बोल रहे हैं वैसे ही लिख रहे हैं। और जितने उच्चारण व्यक्ति कर सकता है, दुनिया की एकमात्र भाषा हिंदी उसको लिख सकती है, बाकी सारी भाषाएं कहीं ना कहीं कम रह जाती हैं। कहते हैं ना इंग्लिश में तो कई वर्ड साइलेंट हो जाते हैं, लेकिन हिंदी की तो हिंदी भी बोलती है। तो अब हम जैसे दृष्ट धुम बोलते हैं, हिंदी लिख सकती है, बहुत से भाषा नहीं लिख पाती। युधिष्ठिर, स्वास्थ्य, अभिमन्यु, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको लिखने में हिंदी सक्षम है। सिर्फ एक ही शब्द हिंदी, एक ही उच्चारण हिंदी नहीं लिख पाती, वो है ना। ये अपने शास्त्रों में कहा भी गया है कि जब तक ब्रह्मा जी बोलेंगे गणेश जी लिखेंगे, लेकिन जब ऐसा शब्द बोला उन्होंने कि हिंदी ना लिख पाए तो हाथ रुक जाएगा। तो हाथ रोकने के लिए उन्होंने ये आला प्रोनाउंस कर दिया। तो यहाँ बस एक यही मात्र है जो उच्चारण हिंदी नहीं लिख पाती, अदरवाइज सारे शब्द। और आप देखिए इसको क्यों मैंने बोला है वर्ल्ड की बेस्ट फोनिक लैंग्वेज, कि आवाज निकलती है हमारे, मैं इंग्लिश का वर्ड यूज करूंगा क्योंकि मैं अपने उद्गार पूरे देना चाहता हूं, अपने टंग मूवमेंट से, अपनी जवान का जो मूवमेंट है उससे शब्द निकलते हैं। तो उन्होंने एक तरीके का मूवमेंट देखा और एक लाइन बना दी, क ख ग घ न। अब आपका टंग मूवमेंट, लिप मूवमेंट बिल्कुल सेम रहेगा, पूरी लाइन लिख दी आपने,
च छ ज झ य, टंग मूवमेंट लिप मूवमेंट सेम है इस पूरे शब्द को बोलने में, प व ब भ म। तो जितने तरीके से हमारे हम उच्चारण कर सकते हैं उतने तरीके से उन्होंने एक लाइन लिख दी है पूरी, ये इसकी खूबी है, ब्यूटी है। अब क्या होता है कि अब ये पखवाड़ा मनाना क्या जरूरी है, तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम क्या करते हैं, अपने आप के विचार और प्रकट कर दिए, अपनी बात सामने रख दी, सामने वालों को मैसेज मिल गया, हमारा काम हो गया, तो हम रोज इस झमेले में नहीं पड़ते। लेकिन कभी तो हमको करना पड़ेगा ना, कभी तो हमको हमारे शब्दों का उच्चारण भी ठीक से करना पड़ेगा। तो ये पखवाड़ा है, इसमें आप इतना ध्यान रखें कि अब इसमें अपन शुद्ध हिंदी बोलेंगे और लिखेंगे। अपने को पता तो होना चाहिए ना कि उच्चारण क्या है, और सही शब्द का अपन चयन भी करेंगे। अगर अपने विचार को प्रकट करने के लिए आपने सही शब्दों का चयन किया है और सही तरीके से उसको उच्चारित किया है तो ये बड़ी बात है। तो आप अब यहाँ ये 15 दिन, अच्छा जितना अपन शुद्ध बोलते हैं ना उतनी अपनी वोकल कॉर्ड भी इम्प्रूव होती है। अब जैसे प्रणाम प्रणाम प्रणाम, पुराने जमाने में उन्होंने कहा जिससे भी बोलो प्रणाम करो, तो प्रणाम आप बोलते हैं तो आपकी देखिए कि आपकी वोकल कॉर्ड कितनी मधुर हो जाती है। अगर आप रोज प्रणाम शब्द को बोलेंगे बार बार तो आपकी वोकल कॉर्ड और मधुर और मधुर और बढ़िया, क्योंकि प्रणाम प्रणाम। जब आप विट्ठल बोलते हैं तो आपका हार्ट मजबूत होता है, विट्ठल 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 एक जर्क जाता है आपके उसमें। जब ओम बोलते हैं तो आपका बीपी लो बीपी ठीक हो जाता है, जब राम बोलते हैं तो हाई बीपी कम हो जाता है, लेवल में आ जाता है। तो शब्द कोई ऐसा मामूली चीज नहीं है, इसका बड़ा असर आपके पास जाता है। ओम जब भी आप लो फील करें आप जय श्री राम बोल देंगे तो आपके वैसे ही जो प्राण है प्राण तत्व तो आपके ऊपर ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस दौरान हम जितना ज़्यादा अच्छे क्लिष्ट वर्ड भी यूज़ करना चाहें बिल्कुल करिए, क्योंकि उससे हमारी वोकल कॉर्ड सुधरेगी, हमारी भाषा शैली समृद्ध होगी। और लेकिन ये काम हम पूरे साल भर नहीं कर सकते, क्योंकि बड़ा मुश्किल आएगी फिर काम करने में गेट हो जाएंगे। तो इसलिए इस पखवाड़े की महत्ता है, और मेरी आप सबसे निवेदन है कि सब इसमें भरपूर पार्टिसिपेट करें, क्योंकि प्राइज मिलना ना मिलना एक बात है, लेकिन जब हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम इम्प्रूव जरूर होते हैं। खेलना बहुत ज़रूरी है, नहीं खेलेंगे अच्छा नहीं खेलेंगे तो ये तो तय है कि जीतेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, पर फिर जीतेंगे भी नहीं। तो इसलिए आप पार्टिसिपेट जरूर करें, कोशिश करें अच्छे से अच्छा करने की। तो जो आपने चाहा है वो भले ही ना मिले, पर जहाँ आप आज हैं वहाँ से तो अपन इम्प्रूव हो ही जाएंगे। तो जैसा आपने इनिशिएटिव लेके पार्टिसिपेट किया भी बोलने में, मैं चाहता हूँ कि आप सब किसी न किसी प्रतियोगिता में भाग जरूर लें, और ध्यान ये रखें कि शुद्ध लेखन में आपको बड़ा अलर्ट रहना है। पहले भी कुछ लोगों ने कहा है कि एक शब्द अगर 5 बार आया है और आपने गलत लिखा है तो वो आपकी एक गलती नहीं 5 गलती मानी जाएगी, क्योंकि वही शब्द 5 बार आया और 5 बार आपने गलत लिख दिया। तो कई बार ऐसा आप ध्यान रखिएगा कि इसमें छोटी से छोटी बात में फिर कंट्रोवर्सी ना हो, इसमें हर चीज़ पकड़ी जाएगी, वो हमारे लिए अच्छा है। और दूसरा काव्य पाठ और गीत में भी आप खुल के पार्टिसिपेट करें, कि ये मौका है हमें एक दूसरे को जानने का और मिलने का, तो उसमें भी आप करें। भूल जाएंगे ये प्रतियोगिता है, आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, रिजल्ट जो आएगा वो देखेंगे अपन, है ना। तो मेरी शुभकामनाएं सभी के साथ है, और हिंदी दिवस की आप सब सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय। सक्सेना साहब को सुनने के बाद हम सबको लगता है कि हिंदी के ऊपर भी सर की एक एक क्लास हम सबको हर दिन सुननी चाहिए, और सर के जो विचार हैं और जो विचारों की श्रृंखला है और विचारों